वरिष्ठ समाज सेवा अन्ना हजारे एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति में देरी के खिलाफ बुधवार को महाराष्ट्र स्थित अपने गांव रालेगंज सिद्धि में अनशन पर बैठ गए हैं। लोकपाल के लिए फिर से अनशन पर बैठे अन्ना हजारे ने कहा कि देश की भलाई के लिए बार बार करूंगा आंदोलन। अन्ना हजारे ने हाल ही में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि केंद्र की सरकार देश के लोगों के साथ धोखा कर रही है, लोकपाल और लोकायुक्त कानून पर अमल नहीं होना और सरकार का बार बार झूठ बोलना ठीक नहीं है। उन्होंने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से आंदोलन की घोषणा की थी, हालांकि में उन्होंने कहा कि इस बार कोई भी राजनीतिक दल उनके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। लोकतंत्र लोकतंत्र गोरे गेले काळे आले फरक उपोषण करायचं म्हणजे कोणा व्यक्ती पक्ष पार्टीच्या विरोधात नाही, तर शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला खर्चा आधारित भाव मिळाला तुम्ही आश्वासन दिलं ना सरकारने, ज्यावेळेला निवडणूक झाली त्या निवडणूक प्रचारामध्ये तुम्ही आश्वासन दिलं जनतेला आम्ही सत्तेवर आलो तर स्वामीनाथन कमिटीचा स्वामीनाथन आयोगाचा जो अहवाल आहे त्याची अंमलबजावणी करू। हे तुम्ही विद्यार्थ्यांसाठी माहीत असावं की हा स्वामीनाथन आयोग नियुक्त झाला तो कधी झाला हे तुम्हाला माहीत असावं। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।